प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर झारखंड के लातेहार जिले का पर्यटन क्षेत्र नेतरहाट में अब नाशपाती की खेती किसानों के लिए आय का साधन बन गई है, लेकिन बाजार नहीं मिलने के कारण किसानों में मायूसी है। क्या कुछ इसका कारण है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छोटा नागपुर की रानी कहे जाने वाली पहाड़ी नगरी नेतरहाट की जलवायु नाशपाती के फलों के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है, जिसके कारण स्थानीय किसानों ने भी नाशपाती की खेती शुरू कर दी है। यहाँ सैकड़ों एकड़ में नाशपाती के सरकारी बागान हैं, तो वहीं कई किसान निजी तौर पर नाशपाती की खेती करते हैं। नेतरहाट में अब नाशपाती को तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन बाजार नहीं मिलने से किसानों को अच्छी आमदनी नहीं मिल पा रही है। तो नाशपाती तोड़ाई चल रहा है, उसके बाद कहाँ यहाँ से सप्लाई करते हैं? यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, रांची जाता है, कलकत्ता जाता है। क्या भी स्थिति है इस व्यवसाय में, फायदा है क्या है? अब वो तो तोड़ने के बाद ही पता चलेगा, पिछले बार तो लॉस हुआ था, इस बार देखिए क्या होता है। तो क्या मतलब लॉकडाउन की वजह से लॉस हुआ था या कैसे? लॉकडाउन की वजह से बाजार नहीं था, पब्लिक के पास पैसा नहीं था, इसके कारण। इस बार क्या फसल का क्या स्थिति है, फसल अच्छी हुई है या क्या है? वैसा खास फसल नहीं है। नेतरहाट में नाशपाती की खेती की अपार संभावनाएं हैं, किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है, लेकिन बाजार नहीं मिलने से किसान मायूस है। हालांकि इस पूरे मामले पर पलामू प्रमंडल के आयुक्त किसानों के बीच जागरूकता की कमी बता रहे हैं। बाजार तो है, चूंकि खेती कम होती है और उसकी मांग है, लेकिन जो सामान्य किसान है अब उसकी पहुंच कितनी कितनी तक है, सीधे मान लीजिए उसका कंज्यूमर मार्केट तक पहुंच है कि नहीं है, या बीच में जो मिडिल मैन बिचौलिया कृषि की मार्केटिंग है उसमें इस तरह की समस्याएं अन्य उत्पादों में भी है और नाशपाती में भी है। नेतरहाट की नाशपाती पहले विदेशों में निर्यात की जाती थी, लेकिन समय के साथ इसमें काफी गिरावट आई है। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि सुखाड़ की मार झेल रहे पलामू प्रमंडल के किसानों को राहत मिल सके। समाचार प्लस के लिए पलामू से प्रभु दयाल की रिपोर्ट।